जब देनी होगी दे दे। इसमें मतलब इसमें क्या है, आज क्यों नहीं? ना किसी ने मना किया है इस रोड के लिए? मैं यहाँ पर यहाँ मेरी तैनात नहीं हूँ। तैनाती कैसे आ सकते हैं? शुरू की गई थी ना उस वक्त आप थे यहाँ मौजूद। डीडीसी साहब जवाब देंगे आप लोगों को। नहीं डीडीसी को, नहीं डीडीसी को तो अभी 1.5 साल हो गए, लेकिन रोड को तो 5 साल हो चुके हैं। डीडीसी को तो 1.5 साल हुए हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। जिला पुंछ की मैं एक खबर सुनाने जा रहा हूं, वहां की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, और तस्वीरें रोड की हैं। रोड की स्थिति ऐसी है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इस रोड को बनाने में 4 करोड़ रुपए खर्च आए हैं और अभी भी ये रोड कंप्लीट नहीं है। इतनी दयनीय स्थिति है कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे है। और 4 करोड़ रुपए सुनने में आया है कि डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि पैसा खत्म हो गया है और 2 साल को में ये रोड कंप्लीट करनी थी तारकोल डाल के, लेकिन अब 4 साल हो गए हैं। दूर दराज के इलाकों में हमने कई बार कहा कि भ्रष्टाचार किस तरह से हो रहा है, वहां पर डिपार्टमेंट के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, ठेकेदार किस तरह से काम कर रहे हैं, वहां पे जो सरपंच पंच हैं वो क्या काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि जांच होनी चाहिए, और जब एजेंसीज, क्योंकि खबरें फ्लैश नहीं होती तो एजेंसीज का भी कोई ध्यान नहीं है। जहां जहां बात होगी वहां वहां ठीक होगा, जहां जहां नहीं होगा वहां वहां नहीं होगा। तो ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। पूरी डिटेल में हम आपको खबर बताएंगे। वहां पर उस स्पॉट का उस रोड का मुआयना करने के लिए एक्सियन साहब आए थे, और जब एक्सियन साहब वहां पर आए तो लोगों और पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। सवाल किया तो वो मुकर के, वो कहते मेरा काम ही नहीं, मेरा इस इलाके से लेना देना ही नहीं है, ये मेरी यूरिडिक्शन ही नहीं है। तो पहले आप इनकी बातचीत सुने, उस रोड की हालत देखें, और फिर इसकी विस्तार से आपको जानकारी हम देते हैं। पता कोई खबर होनी है, आप पहले देने होने अगू बना पता शक्ल दिखा पिछू के पता चलती है अगू जमना बच्चे बैठ नहीं सकते सर। 5-10 बंदे जो हैं यहाँ, इनको चाहिए कि एक बच्चे के पास में एक बच्चा खड़ा देना। ठेकेदारी डलवाए थे नहीं ऐसे क्रेन थोड़ी लगते हैं ऊपर, अगर ये शूटिंग क्रेन ना पड़ते ये बिल्डिंग सारी आ जाए। यहाँ पे इनका सरबा नहीं है, ये रोड का एरिया, स्कूल का एरिया क्या? हाँ, इन्होंने खुद अपनी मर्जी से यहाँ काटा है, यहाँ इनको था, यहाँ ही दीवार है। चलो फिर भी काट दिया सर, मैं जानता हूँ सर, जरूरत है एजुकेशन और गवर्नमेंट की, जो 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 हमारा इदारा है बच्चे गवर्नमेंट के इदारा, उनको टच करना है, मानते हैं करते हैं। ये हालत थोड़ी करके जाना है, नहीं, ये तो ठेकेदार का काम है ना, ये सही करना इसको। ये आपके स्कूल की कंपाउंड वॉल कहाँ है? यहाँ से कितने, कौन बच्चा यहाँ भेजेगा? ये 2 टीचर हैं सिर्फ, ये जो है ना, ये झाड़ी से पीछे, ये जो ये रास्ता है ना, इस रास्ते से पीछे के बारे में, उस वाले बारे में अल्लाह तूफान है, ये सब ये देखो, ये नीचे काट गया है उस टाइम, वो जो वो याद है आपको जब डांग चली थी ऊपर, काम नीचे मेरी जमीन है तो वहाँ से हम कोई मशीनरी कोई काम जमींदार, मैं खुद हूँ, मुझे पता है जमीन जब तबाह होती है कितना दर्द होता है, मुझे पता है हर इंसान। क्यों पहले एक मशीन आप ऊपर भेजो, उसके बाद ढंगे का काम शुरू करो। एक काम करेंगे ना, चलो अगर ये रोड तैयार हो गया फिर हम लोग पीछे वाले मर जाएंगे। एंड से शुरू करो, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि आपकी बचती हुई क्वांटिटी जो है
उतने अगर आप बोले नहीं रही तो फिर तो करेंगे स्टेज सेकंड। देखो मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूँ, मैं ये नहीं बोलता वादे लंबे चौड़े फेंकने वाले, मैं नहीं करता। कंट्रैक्टर को अंदर घुसाना है हमने, ये मेरा ट्रेनिंग होगी दे दे। इसमें मतलब इसमें क्या है, वजह होगी ना, किसी ने मना किया है इस रोड के लिए? मैं यहाँ पर यहाँ मेरे तैनात नहीं हूँ, तो देखा आपने एक्शन साहब साफ इनकार कर गए कि मेरी ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है। और रोड रोड की हालत आप देखें, 6 किलोमीटर रोड बनाना था वो भी नहीं बना है, और पैसे भी पता नहीं खा गए हैं क्या किया। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए डिटेल से, ये कौन से इलाके का मामला है, बात करने के लिए हमारे साथ पूंछ से हमारे सहयोगी पत्रकार हैं सरफराज खान। सरफराज जी। जी दीपक जी। अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो रोड और जो तस्वीरें हमने दिखाई है कहाँ की हैं, पूंछ में कहाँ की? बिल्कुल सही है, डिस्ट्रिक्ट पूंछ तहसील सुरनकोट है ये, और ये चंदीमढ़ से पथरी की तरफ रोड जो है जा रही थी, ये वाया मनई से होते हुए जी। 2019 में इस प्रोजेक्ट का जो काम शुरू हुआ और जी और 2023 तक भी ये रोड जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाई। कितने सालों में कंप्लीट होने थी ये? सर मेरे ख्याल में शायद 2.5 साल का इसका पीरियड था, लेकिन जी 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 4 साल तक हो चुके हैं, 4 साल बीत जाने के बाद भी। स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो ये जो रोड बनी है, जो गूगल मैप इस रोड का दिया गया था, लेकिन ये उस मैप से जो रोड है वो हटकर है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये कुछ डिपार्टमेंट की कमजोरियों की वजह से हुआ और कुछ लोगों के इशारों पे भी ऐसा काम हुआ कि इस रोड को उस मैप से जो है वो हटा दिया गया। अच्छा। और बिना मैप के ये रोड जो है वो बनाई गई। इसका ग्रेड अगर देखा जाए वो भी काफी जो है वो चढ़ाई दी हुई है इस रोड को, 4 करोड़ जैसे बता रहे हैं कि 4 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये, 6 किलोमीटर रोड बनानी थी, 6 किलोमीटर रोड बनानी थी, 4 करोड़ का प्रोजेक्ट था। जी इनका नहीं था, लेकिन इन्होंने अर्थ कटिंग करनी थी और उसके बाद नाली जो ड्रैंग होती है वो भी बनानी थी, और मेरे ख्याल में शायद जो वाल वगैरह ब्रेस्ट वाल प्रोटेक्शन वगैरह वो भी लगानी थी, लेकिन इस रोड के ऊपर जो है वो काफी बिग फ्रॉड हुआ है। लोगों को जो है वो हर बार हिरास किया गया है इस रोड के ऊपर। जब भी लोग जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर आवाज उठाते हैं तो इनका कोई ना कोई ऑफिसर विजिटिंग पे आ जाता है। नहीं तो ये 4 करोड़ खत्म हो गया है, डिपार्टमेंट का जैसा कहना है कि ये पैसा जो है वो 4 करोड़ खत्म हो चुका है, यहाँ तक की वो लगा कहाँ? तो बस यही तो इस रोड के ऊपर बिग फ्रॉड है, जिस तरह से लोगों के एलिगेशन है कि इन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, हमारे मुआवजे जो है वो भी अभी तक रुके हुए हैं। अब डिपार्टमेंट कह रहा है कि जब तक रोड जो है वो मुकम्मल नहीं होगी तब तक इनको मुआवजे जो है वो नहीं दिए जाएंगे। क्या ये रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही थी? हाँ 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 बिल्कुल सर, ये PMGSY के तहत रोड बनाई जा रही थी, और यहाँ पे कुछ तो कमजोरियाँ डिपार्टमेंट की, सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो डिपार्टमेंट की रही है PMGSY की। उसके पास जो उनके ठेकेदार लगे हुए थे उन्होंने भी काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं किया। नहीं तो जो एक्शन साहब वहाँ पे आए थे, बिल्कुल, और एक्शन साहब जब यहाँ विजिटिंग पे आए तो हमें कोई इन्फॉर्म नहीं था कि यहाँ पे कोई ऑफिसर आने वाला है। जब हमें जो है वो लोगों द्वारा फोन किया गया कि यहाँ पे एक्शन साहब आ रहे हैं तो आप जरा इनसे पूछिए, जब हम वहाँ पे गए हम तो सारा जब बात हुई तो हमने एक्शन साहब से कहा कि आप बताइए अपना मंशूर कि आप अगर आज जिस रोड पे आए हैं तो आपका मंशूर क्या है, तो उन्होंने डायरेक्टली कहा जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मेरी तैनाती जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो वो उन्होंने जो हाँ बिल्कुल सर, और वो एक्शन साहब जो थे वो गाड़ी में बैठे और चलते बने, पीछे और भी पत्रकार थे वो भी भागते रहे, लेकिन वो हाथ नहीं लगे फिर। नहीं तो इससे पहले भी कभी इस तरह से हुआ है कि एक्शन साहब आते और आते क्यों है वहाँ पर? अगर विजिट करने के लिए कोई ऑफिसर आ रहा है तो उसका कारण क्या होता है कि लोग आवाज उठाने लगते हैं तब आ जाते हैं? बिल्कुल सर, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया और उसके बाद सबसे बड़ी बात है आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि एक स्कूल की बिल्डिंग्स भी आ रही है जी, स्कूल की बिल्डिंग्स जो आ रही है, यहाँ पे काफी गैदरिंग थी स्टूडेंट्स की जो पढ़ने वाले थे, लेकिन इन्होंने जो वहां रोड वहां से निकालने की कोशिश की तो वो जो है वो स्कूल बिल्डिंग्स जो है वो गिरने के कगार पर आ गई। अब जो है वो वालिदैन बच्चों को स्कूल जाने से भी गुरेज कर रहे हैं क्योंकि क्या पता कब जो है वो हमारे बच्चों की खतरे की घंटी बज जाए, तो उस चीज के ऊपर ना तो
एजुकेशन डिपार्टमेंट को टस से मस है, ना ही पीएमजीएसवाई को टस से मस है कि इस स्कूल की बिल्डिंग्स का क्या किया जाए जो इन्होंने बर्बादी की है। इससे पहले भी इस तरह के ऑफिसर आते थे विजिट करने के लिए, लोगों की आवाज को दबाने के लिए लगता है आपको कि आते हैं? बिल्कुल सर, अगर आप पूरा अगर आप सोशल मीडिया को छान कर देखें तो पिछले 4 साल में जितनी बार भी यहाँ पे विजिटिंग हुई है उन्होंने कोई भी जो अपनी बात है वो मीडिया के सामने नहीं रखी है। और यहाँ से ये साफ पता चलता है कि इन्होंने फ्रॉड जो है वो किया हुआ है, लोगों का पैसा जो है वो लूटा हुआ है। ये सरकार को जो है वो उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ ये डिपार्टमेंट खेलता है। जिस तरह से हम बताते चलें कि सरकार जो है वो पानी की तरह पैसा दे रही है आगे डिपार्टमेंट को, लेकिन आगे कहाँ जा रहा है ये पैसा इसकी समझ नहीं आ रही है कुछ भी। तो इन विभाग के अधिकारियों से भी कोई बात हुई है? नहीं बिल्कुल सर, जैसे फोन लाइन पे तो हमारी कोई बात नहीं हुई है। जब वो यहाँ पे आए तो उनके साथ जेई भी थे, सब लोग थे जो यहाँ पे उस तैनात थे रोड के ऊपर। तो जब हमने इस मामले में उनसे बात करने की कोशिश की तो सबने पीठ दिखाई है, किसी ने भी ऑन कैमरा जो है वो बात करने की कोशिश नहीं की कि हमारा आने का मंशूर क्या है या ये रोड का हाल क्या है, कब तक इसको जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं तो और ऐसा भी होता कई बार जब वीडियो शूट हो जाते हैं तो बोलते हैं कि ये खबर दबा दो, ऐसा कुछ दबाने के लिए तो नहीं कहा गया कि दबा दो नहीं चलाओ? नहीं सर, उन्होंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि उनको ये वाजे तौर पे पता था कि हमने फाइट दी नहीं है। तो लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमने उनका वीडियो शूट कर दिया है, जब वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे तैनात नहीं है, मैं यहाँ पे तैनात नहीं हूँ या कुछ, लेकिन वो इन चीज को बेखबर थे। कौन से कहाँ के हैं वो, कहाँ तैनात है ये सर हमें पता नहीं। अगर वो इस इलाके में आए हैं तो हमने तो यही समझा कि वो हमारे इलाके में ही तैनात हैं, तभी उनको विजिटिंग के लिए भेजा गया, लेकिन उन्होंने जो साफ मना कर दिया कि मेरी यहाँ पे तैनाती नहीं है। अब सवाल ये उठता है, डिपार्टमेंट भी नहीं बता रहा है कि ये हमने भेजे हैं कि नहीं भेजे? जी बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं बता रहा है सर। इसमें लोग क्या चाहते हैं अभी? अब लोग यही चाहते हैं कि ये जब भी यहाँ पे आए हमारे पास, इन्होंने जो है वो बिना कुछ बात किए हुए फैसला किए हुए अपने तौर तरीके से चोरी छुप के विजिट करके यहाँ से निकल गए। ये हमें इंसाफ चाहिए, हमारी जमीनें गई हैं, ना तो हमें मुआवजे मिले और ना ही हमें रोड मिली, हम दोनों चीजों से जो है वो महरूम हो गए हैं। लोग चाहते हैं रोड भी बने और उनके मुआवजे भी मिले। जी और वो हाँ बिल्कुल सर, वो ये चीजें चाह रहे हैं, लेकिन आज की जो आवाज है वो लोग यही कह रहे हैं कि इससे पहले हमारी जमीनें भी चली गई हैं और रोड भी नहीं बनी, दोनों तरफ से जो इन लोगों को जो है वो मार लगी है डिपार्टमेंट द्वारा। चलिए शुक्रिया, शुक्रिया सरफराज जी हमें जानकारी देने के लिए। ओके थैंक यू, थैंक यू सर। तो ये सरफराज जी थे जो जानकारी दे रहे थे कि जिला पुंछ में ये किस तरह से काम हो रहा है। अगर रोड के लिए पैसा सैंक्शन हुआ था और जो टाइम पीरियड दिया गया था 2 साल 2.5 साल का, तो उसमें वो ये रोड कंप्लीट क्यों नहीं हुई, क्यों तार तोड़ नहीं डाली गई, और 6 किलोमीटर की रोड बनानी थी तो वो सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर कैसे बनी? जिन लोगों की ज़मीनें वहाँ पर रोड बनाते समय आई बीच में, क्या उनको मुआवजे दिए गए? जो एक्सियन साहब वहाँ पर आए वो किस कैपेसिटी में वहाँ पर आए, क्यों विजिट उन्होंने किया, और फिर वो मुकर भी कहे कि मेरी यूरिडिक्शन ही नहीं है, वो उनको किसने भेजा था? आखिर ये वहाँ पर चल क्या रहा है? हमें लगता है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं, और अगर ये भ्रष्टाचार का मामला है तो फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।